आज के इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज देने वाला हूं लोगों को कि बहुत सारा क्वेरीज होता है कि आखिर ये टैली कैसे सीखें, कहां से सीखें, ठीक है, और क्यों सीखें। सबसे पहला बात है कि आखिर मैं टैली क्यों सीखूं। तो सिंपल सा बात है, अभी का जो टेक्नोलॉजी का जमाना है वो अकाउंटिंग, टैली क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है कि आपका जो भी अकाउंटिंग है उसको कैसे करें, ठीक है, वो चीज जो है टेक्नोलॉजी के हेल्प से वो चीज सारा का सारा आपको प्रोवाइड करता है। तो यहां पे आपको ये देखना है कि टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम लोग कॉपी और कलम में जाके सारा एंट्रीज करते हैं, और तब वो प्रीवियस सिस्टम था, बहुत पुराने जमाने में उस तरह से अकाउंटिंग हुआ करता था, सारा लेजर वगैरह सारा कॉपी में मेंटेन मैनुअल हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ है, वो चीज सारे चीजें धीरे धीरे जो है वो शिफ्ट हो गए हैं सॉफ्टवेयर पे, है ना। तो उसी के लिए क्या है, हम लोग को टैली अभी के टाइम में बेसिकली जानना जरूरी है, क्योंकि सारा रिपोर्ट्स वगैरह क्विक जो है वो जनरेट हो जाता है। अभी सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में जो है प्रैक्टिकलिटी को लेकर बहुत इशूज है, प्रैक्टिकलिटी को लेकर इशूज है बोले तो, कि हम लोग पूरा आईकॉम कर लेते हैं, मतलब 11th 12th ग्रेजुएशन भी हो जाते हैं, लेकिन उनके पास मतलब जो मैनुअल्स रूल्स रेगुलेशंस है उनके बारे में आइडिया होता है, लेकिन उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को कैसे यूज करते हैं, जो भी पढ़े हैं, अगर आप अकाउंटिंग अकाउंट्स ऑनर्स लेके ग्रेजुएशन किए हैं तो उस केस में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, आपको पता है, लेकिन आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कैसे अकाउंटिंग किया जाता है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, तो इसका आइडिया आप लोगों को नहीं होता है, जो कि बहुत ही मतलब अभी के टाइम में मतलब बहुत ही गलत चीज है। अभी के टाइम में आपको एजुकेशन सिस्टम को, या अगर मान लीजिए कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो आपको इतना सेल्फ अवेयरनेस लाना चाहिए कि भैया सारा चीज डिजिटलाइज हो रहा है, तो आपको अपना सेक्टर में कम से कम जो चीज का बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको आपको एटलीस्ट सीखना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग देखें कि क्यों सीखना चाहिए, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर टैली हम लोग को कहाँ से सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। तो सिंपल सा बात है कि हम लोग को देखिए, टैली जो है ना वो दो चीज पे काम करता है, एक तो अपना प्रोडक्ट पे काम करता है टैली जो सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा उसका एजुकेशन पे भी प्रोवाइड करता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर मान लीजिए हम बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना दिए, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए, लेकिन उसका यूजर नहीं है, उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, वो नहीं है लोग, उसको ऑपरेट करने वाले लोग मार्केट में नहीं है, तो क्या वो सॉफ्टवेयर आपका चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, सॉरी, इसलिए जो आपका टैली है वो अपना प्रोडक्ट पे भी टाइम दे रहा है, प्रोडक्ट को भी ये किया कर रहा है, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड एजुकेशन पे भी वो पूरा फोकस कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट के बारे में तो आइडिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं, अब हम लोग को उसका एजुकेशन कैसे लें, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या है, उसका ऑफिशियल बुक को टैली जो है वो दो चीज चलाता है, एक टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और एक टैली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ये प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करता है, लेकिन एजुकेशन जो है वो पूरा एजुकेशन से रिलेटेड काम करता है, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड काम करता है। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए, टैली एजुकेशन जो है वो टैली सीखने के लिए ये है जो है वो टू मतलब दो तरह का मॉड्यूल निकाला है, एक टैली एसेंशियल और एक टैली प्रोफेशनल है। तो मेरे अनुसार से एज अ पर्सनल रिकमेंडेशन लोगों को एसेंशियल करना चाहिए, एटलीस्ट ये बेसिक जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो एसेंशियल्स का भी 3 लेवल्स है, और तीनों जो बुक है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या बताता है। तो देखिए, सबसे बड़ा बात है ना, इसका फीचर क्या है कि सारा ऑफिशियल बुक है, और यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकल डेटा, सारा चीज यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप जो है फॉलो किया है। अप्रोक्स अगर आप ये तीनों किताब अगर खरीदिएगा ऑनलाइन, तो लगभग 2100 से 2200 रुपया का आपका आ जाएगा, और आप घर बैठे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारा चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर का कंटेंट क्या, अब इसको आप खरीद कहाँ से सकते हैं। तो सिंपल सा, आप देखिए आपको कहाँ जाना है, टैली ऑफिशियल बुक्स में आ जाना है, .com पे आ जाना है। आप जैसे आइएगा, मान लीजिए हमको लेवल 1 को खरीदना है, ठीक है, तो आपको लेवल 1 में क्या करने जाना है, यहाँ पे सिंपल सा देखिए, बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर, आप कॉन्टैक्ट ऑफलाइन वगैरह सारा चीज है, आपको यहाँ पे क्या करना है, नो मोर पे क्लिक करना है। नो मोर पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपको ये लेके जाएगा, और आपके बुक के बारे में पूरा डिटेल बताएगा कि आखिर एक लेवल 1 है तो इसमें आपका क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट देखिए, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, सिंपल सा बात है कि अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आ रहा है, इफ यू आर नॉट नोइंग अबाउट द अकाउंटिंग, की डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट लेस का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, तो आप टैली ऑपरेटर बन के रह जाइएगा, आपको बता दिया जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे एंट्री करिए। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो यू विल हैव टू मस्ट नॉलेज अबाउट द अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन एज वेल एज, तभी आप जाके
ठीक ठाक प्रोफेशनल बन पाइएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये क्या सिखाता है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, की भैया तुम पहले समझो कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, तभी तो आप सॉफ्टवेयर को यूज कर पाओगे। अब आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप टैली कैसे ऑपरेट कर पाओगे, आपको सिर्फ सिखा दिया जाएगा तो आप सिर्फ एंट्री करके पास कर जाओगे, तो उसमें तो आप ऑपरेटर बन जाओगे। तो इसलिए फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग सिखाता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम, की टैली प्राइम कैसे काम करता है, क्या फीचर है सारा चीज। उसके बाद चार्ट्स ऑफ अकाउंट है, मेंटेन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस है कि कैसे सेल है, परचेज है, रिसीट्स है, पेमेंट है, कॉन्ट्रा है, तो सारा एंट्री कैसे पास किया जाता है। उसके बाद बैंकिंग है, जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, MIS रिपोर्ट्स है, डेटा सिक्योरिटी है, कंपनी डेटा है, और इसी में GST भी ऐड किया हुआ है। तो लेवल 1 में अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा क्या है, आपको जाके यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखिए, या तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाना है, और यहाँ पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपको लेके चला जाएगा फ्लिपकार्ट पे, और वहां पे आप देखिए क्या है, ₹720 लेवल 1 का प्राइस है। इसी तरह से जाके आपको यहाँ से खरीदिए, और मतलब आराम से आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज इसका हम लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग एज वेल एज ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज बुक्स। अगर मान लीजिए किसी को ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो हम लोग ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपस्किल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के नाम से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा चीज है। और इसी तरीके से आपको क्या है कि जो लेवल 2 है, ठीक है, लेवल 2 भी आप पूरा का पूरा जो है, यहाँ पे 3 लेवल कोर्स है। 3 लेवल कोर्स करने के बाद आपको और कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो छोटा छोटा छोटे छोटे रूप में आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, लेकिन आपको एक एक्सेस नहीं दे पाएंगे, एक एक्सपीरियंस्ड, एक बहुत अच्छा प्रोफिशियंसी नहीं दे पाएंगे। आपको सिर्फ मतलब बहुत ही नैरो टॉप टाइप में आपको बताएंगे। तो आपको ये चीज देखना है, और सारा चीज जो है, देखिए कितना अच्छा अच्छा टॉपिक जो भी है एक बिजनेस में मेनली जो यूज होता है, वो सारा का सारा चीज यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसी के मॉड्यूल पे आपका जाके पूरा का पूरा ये डिटरमाइन किया गया और इसको प्रिपेयर किया गया है। तो आप देखिए और अपना करियर को थोड़ा सा एक स्किल दीजिए ना, ये पूरा लाइफ नहीं है, टैली इज नॉट अ लाइफ, ये लेकिन एक स्किल है, अपने आप को एक स्किल दीजिए, ठीक है। तो इस चीज को आप देखिए अपने आप को, और जो भी एक मतलब ऑफिशियल बुक्स है उसी से पढ़िए, ताकि आपको एक मतलब सही तरीके से सही गाइडेंस मिल पाए। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ यू आर ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच जी।